अस्सलामुअलैकुम मौजी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इराक़ के मशहूर मकामात जिन में बगदाद, अरबेल, बसरा, नजफ, करबला जैसे मशहूर मकामात की सैर करवाएंगे और साथ ही साथ इनके दिलचस्प और हैरत अंगेज हकायक से भी आगाह करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लिहाजा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम आने वाले नए सार्फीन से मौतबाना गुजारिश करता हूं कि अगर उन्होंने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, नजफ। मौजूद दोस्तों, नजफ इराक के मशहूर शहरों में से एक माना जाता है और ये बगदाद से तकरीबन 160 किलोमीटर यानी 100 मील जनूब में वाक़िया है। ये शिया इस्लाम के लिए एक मुकद्दस शहर है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मेज़ार मुबारक भी इसमें शामिल है। नजफ को अमीरुल मोमिनीन के नाम से भी जाना जाता है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब भी है। नजफ एक बड़ा ज़ियारती मरकज़ है और हर साल लाखों शिया मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार की ज़ियारत के लिए आते हैं। शहर में बहुत से मजहबी मदारिस और मसाजिद मौजूद हैं। नजफ एक कदीम शहर है और इसकी तारीख 7वीं सदी ईस्वी से है। ये शहर कई सदियों तक एक अहम इल्मी और सकाफती मरकज़ रहा है। नजफ में देखने और करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। शहर के सबसे मशहूर मकामात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार जो शिया इस्लाम का सबसे मुकद्दस मुकाम है। मज़ार एक वसी अहाते में वाक़िया है जिसमें कई मसाजिद और मदारिस मौजूद हैं। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के करीब एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है जिसे अमीरुल मोमिनीन की मस्जिद के नाम से जाना जाता है और नजफ में एक किला भी मौजूद है। ये एक कदीम किला है जो शहर के मरकज़ में वाक़िया है। किले से शहर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इसके अलावा वादी इस्लाम, यह दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और ये नजफ के करीब वाक़िया है। कब्रिस्तान में लाखों लोगों को दफन किया गया है जिनमें बहुत से शिया उल्मा और बुजुर्गान शामिल हैं। नंबर 2, बगदाद। इस शहर को इराक का दारुल हुकूमत और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है। बगदाद अपने तारीखी यादगारों जैसे अब्बासी खिलाफत के दौर का मशहूर मदीनता इस्लाम और अपने खूबसूरत बागात और पार्कों के लिए जाना जाता है। बगदाद इराक का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर भी है। ये दजला के किनारे वाक़िया है और तकरीबन 9 मिलियन लोगों का घर है। बगदाद एक कदीम शहर है जिसकी तारीख 8वीं सदी ईस्वी से है। ये अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था और इस्लामी सुनहरी दौर के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर। बगदाद एक अहम सकाफती, इक्तसादी और सियासी मरकज़। ये इराक की हकूमत, सन्नत और तजारती का मरकज़ भी शामिल है। बगदाद एक अहम सकाफती, इक्तसादी और सियासी मरकज़ भी है। ये इराक की हकूमत, सन्नत और तजारत का मरकज़ भी है। शहर में बहुत से जमात, हस्पताल और दीगर अवामी सहूलियात मौजूद हैं। बगदाद एक मतनू शहर माना जाता है जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों समेत मुख्तलिफ मजाहिब के नस्लों के लोग रहते हैं। दोस्तों, बगदाद में देखने और करने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं।
शहर के सबसे मशहूर मकामात में मदीनतुल इस्लाम जो अब्बासी खिलाफत का कदीम दारुल हुकूमत था। इसमें कई तारीखी यादगार मौजूद हैं जिनमें अल खल्फा का महल, जामिया मस्जिद और बैतुल हुकमत का कुतुब खाना शामिल है और मिस्तनसरिया मदरसा जो एक कदीम मदरसा है जो 13वीं सदी में तामीर किया गया था। यह इस्लामी फन तामीर की एक खूबसूरत मिसाल बन गया है। इसके अलावा अल काज़मीन का मज़ार, ये शिया इस्लाम का एक मुकद्दस मुकाम है और इमाम मूसा काज़मी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम मुहम्मद तकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार का घर है। इसके अलावा बगदाद एक मतनू और मुतहरक शहर माना जाता है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप तारीख, सकाफत, ख़रीदारी या खाने में दिलचस्पी रखते हों। बगदाद में आपके लिए देखने और करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। बगदाद एक खूबसूरत और तारीखी शहर माना जाता है लेकिन ये दहाइयों से जंग और खाना जंगी से भी मुतासिर रहा है। शहर में बहुत से लोग गुरबत और बेरोज़गारी का शिकार हो चुके हैं। बगदाद में सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला बन चुका है। और अब हम बात करेंगे करबला के बारे में। दोस्तों, आपने करबला का नाम तो सुना ही होगा। ये शहर इराक का एक मशहूर तरीन शहर माना जाता है जो बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर यानी 60 मील जनूब मगरब में वाक़ है। यह शिया इस्लाम के लिए एक मुकद्दस शहर माना जाता है और वाक़ करबला का भी मुकाम है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके साथियों को 61 हिजरी में शहीद किया गया था। करबला एक बड़ा ज़ियारती मरकज़ है और हर साल लाखों शिया मुसलमान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार की ज़ियारत के लिए आते हैं। शहर में बहुत से मजहबी मदारिस और मसाजिद भी शामिल हैं। ये शहर कई सदियों तक एक अहम इल्मी और सकाफती मरकज़ रहा है। करबला में देखने और करने के लिए बहुत चीज़ें शामिल हैं। शहर के सबसे मशहूर मकामात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार जो शिया इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम है। मज़ार एक वसी अहाते में वाक़ है जिसमें कई मसाजिद और मदारिस मौजूद हैं और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी मज़ार इसमें शामिल है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई का मज़ार है और करबला में एक और अहम ज़ियारती मुकाम है जो तल ज़ैनब के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वाक़िया करबला के बाद खुतबा दिया था। दोस्तों, करबला का नाम कुर्ब से माखूज है जिसके मायने है मुसीबत या दुख। करबला को शहदा का शहर भी कहा जाता है। करबला में हर साल मुहर्रमुल हराम के महीने में अशारों की याद में जलूस और मातमी जलसे मुनक्कद होते हैं। करबला में बहुत से यतीम खाने और गरीब खाने हैं जो ज़ायरीन और मुकामी लोगों के मदद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इराक के शहर बसरा के बारे में। बसरा इराक का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जो खलीज फारस का साहल पर वाक़ है। यह तकरीबन 2.6 मिलियन लोगों का घर है। बसरा एक कदीम शहर है जिसकी तारीख 7वीं सदी ईस्वी से है। ये कई सदियों तक एक अहम तजारती और सकाफती मरकज़ रहा है। बसरा एक अहम सनती और ज़ियारती मरकज़ है। ये इराक के तेल और गैस की सन्नत का मरकज़ है। शहर में बहुत से कारखाने और फैक्ट्रियां भी हैं। बसरा इराक के लिए एक अहम बंदरगाह भी है और इसे खलीज फारस के साथ तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इराक के इस शहर में इराक की सबसे कदीम मस्जिद जिसे जामिया मस्जिद बसरा के नाम से जाना जाता है ये भी मौजूद है। ये 7वीं सदी ईस्वी में तमीर की गई थी। इसके अलावा बसरा म्यूज़ियम, यह म्यूज़ियम शहर की तारीख और सकाफत को दिखाता है। इसमें आसार कदीमा, फन पारे और दीगर तारीखी नवादरात का एक बड़ा ज़खीरा मौजूद है। बसरा शहर एक खूबसूरत और तारीखी शहर माना जाता है लेकिन यह जंग और खाना जंगी से भी मुतासिर हुआ है।
शहर से बहुत से लोग गुर्बत और बेरोज़गारी का शिकार हैं। बसरा में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिहाजा हमारे चैनल नया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।